तो ग्रैंड फिनाले है आज, क्या कहना चाहेंगी, कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की जो पूरी जर्नी थी बहुत ही यू नो एडवेंचरस थी एंड मैं सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हूँ एंड मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पे, भाई बनाए हैं, बहन बनाई है इनफैक्ट, तो इतने रिलेशन हमारे इतने अच्छे हैं एंड हम 2 महीने केप टाउन में थे एंड बहुत मजा आया एंड फाइनली फिनाले है एंड आई होप द बेस्ट वन विंस। कितना मिस करने वाली है जर्नी को अगर इसकी बात करें? मैं बहुत 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 मिस करूँगी ये जर्नी क्योंकि एज मैंने कहा कि मैंने बहुत मज़ा किया है एंड ये जो एक ऐसा एडवेंचर है जो आप कहीं और नहीं आपको मिल सकता, तो ये फाइनली ये जो शो है मतलब हमारा फिनाले है आज, तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत इमोशनल भी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न में मैंने यू नो पार्टिसिपेट किया और इतनी मेमोरीज बनाई, इतने सारे स्टंट्स किए, अपने आप के बारे में इतना कुछ पता चला, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अनुष्का डर से किसके नाम होगा? सॉरी, ये सीजन किसके नाम होगा अगर पर्सनली आपके अगर बात करें? मेरे हिसाब से सबने अपना अपना बेस्ट दिया है, आप एक जन को बोल ही नहीं सकते, इस बार इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, सबने अपना बेस्ट दिया है, तो आई थिंक एवरीबॉडी हैज डन अ ग्रेट जॉब। डरते और संभलते यू नो अनुष्का, आखिरकार ये जर्नी यू नो अब एंडिंग पर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता है? सो ऑनेस्टली बहुत यू नो बहुत सारे मेरे को कॉमेंट्स आए थे एंड बहुत ज़्यादा ऐसे एडिट्स बने जिसमें सब इतने प्राउड फील कर रहे थे मेरे फैंस की, यू नो क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट थी, 18 साल की उम्र में मैं गई केप टाउन एंड मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं फर्स्ट वीक में ही आउट हो जाऊँगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, सब में से लाइक सब 6 फुट के हैं, सब इतने बड़े हैं मेरे से, सब इतने फिटनेस फ्रीक हैं, बट आई मेड इट टिल द 7th वीक विच मीन्स कि मतलब मैं 14 एपिसोड्स में थी, सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सो दैट्स वाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि मैंने 200% दिया एंड माई फैंस नो दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी। और कलर्स का एक यू नो ये रहा है रिवाज कह सकते हैं कि यू नो एक रियलिटी शो के बाद दूसरे रियलिटी शो में ज़्यादातर कंटेस्टेंट नज़र आते ही हैं, तो हम अनुष्का आपको बिग बॉस में भी देख सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? यू नेवर नो, यू नो खतरों के खिलाड़ी केम एज अ सरप्राइज, सब सरप्राइज हो गए थे मैं इस साल खतरों के खिलाड़ी आ रही हूँ, सो यू नेवर नो, आई विल सरप्राइज यू गाइस। अनुष्का दिव्या OTT TV I'm so happy because मैं पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट कर रही थी, वरुण भैया मेरे भाई जैसे हैं एंड दिव्या दी से मैं एक ही बार मिली हूँ बट वो इतना अच्छा मीट था मेरे लिए एंड आई गॉट टू नो हर, शी इज सच अ लवली ह्यूमन बींग एंड शी वॉन्ट, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू। रोहित सर के बारे में यही बोलना चाहूँगी मैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनकी फिल्म्स देखती हूँ एंड हमेशा से बचपन से, इनफैक्ट 2 साल पहले मैं खतरों के खिलाड़ी के फिनाले में आई थी अपना शो प्रमोट करने के लिए जो मैंने कलर्स पे किया था झांसी की रानी एंड तब मैंने सोचा ही नहीं था कि 2 साल बाद ही मैं यू नो एक्चुअली फिनाले में रहूँगी एंड खतरों के खिलाड़ी करने के बाद। सो रोहित सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, वो बहुत ही यू नो बहुत ही अच्छे इंसान है एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे यू नो थ्रू आउट द सीजन। थैंक यू। Thank you.